तो की हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन। और भाई आज भी मेरे पास बहुत सारे स्टोरीज है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से, जैसे कि बीबी की वाइंस अपने नए वीडियो के बारे में बात की है कि कब वो आएगा, देन स्ले पॉइंट ने एक रिकॉर्ड सेट किया है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, देन एक यूट्यूबर 1,000,000 का रिवॉर्ड सेट किए हैं एक चीज को लेकर, देन फ्री फायर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना ऑफिशियल ग्लोबल एम्बेसडर बना दिए हैं, देन लोगन पॉल वर्सेस फ्लॉयड मेवेदर का जो मैच होने वाला है उसमें से वो कितना अप्रोक्सीमेटली कमाने वाले एक फिगर आया बाहर मैं आप लोगों को बताऊंगा, एंड और भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज रिलेटेड टू लक्ष्य चौधरी, बदमाश आइकन एंड मोर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके रख लेना, मैं आप लोग को ऐसे ही पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से अपडेटेड रहूंगा। एनीवेज तो चलिए फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं भुवन बाम के बारे में। तो बीबी काफी टाइम से अपना नया वीडियो अपलोड नहीं किए, एक महीना से भी ज्यादा हो चुका है। तो किसी ने उनसे उनके लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में पूछा कि भाई आपका वीडियो कब आ रहा है, तो उन्होंने रिप्लाई किया थोड़ा वेट है ब्रदर, वर्किंग ऑन अ लॉन्ग फॉर्मेट प्रोजेक्ट। तो लगता है बीबी के नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग को थोड़ा सा और वेट करना होगा अभी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल सोल्जर के बारे में। तो रॉयल सोल्जर का काफी बड़ा चैनल है एंड ये रिसेंटली हैक हो गया था। तो आज उन्होंने अपने चैनल में इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किया जहां पे उन्होंने बताया कि हैक होने की वजह से उनका कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह भी शायद थोड़ा सा खतरे में, तो इसीलिए जो भी उनको हैकर का इन्फॉर्मेशन देगा उनको एक रिवॉर्ड मिलेगा। मैं उस वीडियो से एक छोटा सा पार्ट आपको प्ले करके दिखा देता हूं कि उन्होंने क्या कहा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ ये जो भी है, क्योंकि मेरा पर्सनल बहुत ज़्यादा डेटा, जो पर्सनल डेटा था चाहे वो ऑफिशियल हो पर्सनल हो, वो भी हैक हुआ है। मेरा काफ़ी सेंसिटिव डेटा शायद वहाँ से चला गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी किया बहुत गलत किया है। साइबर टीम्स तो अपने लेवल पे कार्रवाई कर ही नहीं है, तहकीकात कर रही है। बाकी इस हैकर के बारे में जो भी मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देगा उसको मैं ओपनली बोलता हूँ, 1,000,000 रुपये के नाम मेरी तरफ से आपको मिलेगा, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। ये जो भी हैकर है खुश होकर आपको बता रहा होगा, मेरी वीडियोस दिखा रहा होगा, जो भी सिस्टम हैक किया है, आप चुपचाप मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन भेजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, आपको मैं कॉन्फिडेंशियल रखूँगा आपकी हर जानकारी को। और आपको ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 1,000,000 रुपये के नाम मैं खुद दूंगा, आप मुझे इस हैकर की जानकारी दीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं स्ले पॉइंट के बारे में। ना आपको याद होगा कुछ ही हफ्तों पहले बिनोद वाज अ ह्यूज मीम, मतलब ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया था, एंड जितना जल्दी ये वायरल हुआ था उतना ही जल्दी लोग इसको भूल भी गए। बट एनीवेज ये बिनोद मीम के वजह से एक रिकॉर्ड सेट किया है स्ले पॉइंट ने। तो ट्विटर इंडिया कुछ स्टैट्स शेयर कर रहे थे कि इस साल का मोस्ट लाइक्ड ट्वीट क्या रहा है इंडिया से, मोस्ट रिट्वीटेड ट्वीट क्या रहा है, एंड ये सब कुछ रिकॉर्ड शेयर कर रहे थे। उसमें से एक रिकॉर्ड था द मोस्ट ट्वीटेड मीम। उन्होंने ये कहा, हे स्ले पॉइंट, हाउ इज बिनोद, वुड यू Please let him know just how much he memes to folks on Twitter. Binod became the most tweeted meme on Twitter in India this year. इसके पर react करते हुए Gautami from Slay Point ये लिखी, चलो good बढ़िया, now verify Slay Point, do it Twitter India. तो चलिए अब next story के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले Free Fire के बारे में। तो दो दिन पहले Free Fire एक बहुत ही बड़ा announcement दिए, वो ये है कि Free Fire ने sign कर लिया Ronaldo को as their global ambassador. Now ये एक बहुत ही बड़ा चीज है, मेरे को बिल्कुल भी explain करने का जरूरत नहीं है कि Ronaldo कितने इन्फ्लुएंशियल है, एंड इवन मैंने भी एक स्टैट देखा कि ही इज द मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन इंस्टाग्राम। सो या दिस वाज अ ह्यूज मूव फ्रॉम फ्री फायर। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बदमाश आइकन के बारे में। ना आपको पता होगा हमारे कंट्री में अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं एंड बहुत सारे लोग फार्मर्स के सपोर्ट में आ रहे हैं एंड अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं उनको। उनमें से एक है बदमाश आइकन। आज उन्होंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया अपने चैनल में जहां पे वो दिखाए कि कैसे कुछ मीडिया हाउसेस मैनिपुलेट कर रहे हैं इस सिचुएशन को, एंड ऑल्सो वो कुछ यूट्यूबर्स के बारे में भी बात किए जैसे कि ध्रुव राठी। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दिस वीडियो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग को इसके बारे में समझ आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले एक न्यूली मैरिड यूट्यूब कपल के बारे में। जी हाँ, कुछ ही दिनों पहले मैंने एक स्टोरी कवर किया था कि दो यूट्यूबर्स का मैरिज हुआ रिसेंटली, एंड आज फिर से एक न्यू यूट्यूब कपल फॉर्म हुआ, वो है बिटवीन आकांक्षा शर्मा एंड रजत चौहान। आकांक्षा शर्मा अपने यूट्यूब में पोस्ट करके ये कही, हैप्पीली मैरिड टू रजत चौहान, सो या मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी आज अपने इंस्टाग्राम में बताएं कि उनका नेक्स्ट वीडियो कल आने वाला है, एंड ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाला है। उन्होंने छोटा सा हिंट भी दिया कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। कल जो वीडियो आएगी फुल लफड़ा होगा उसके आने के बाद, तो वीडियो आते ही देख लेना, ठीक है ना, समझ जाओगे तुम क्यों, आते ही देख लेना बस, फिर दिखे ना दिखे मेरी गारंटी नहीं। हाँ भाई, हरीश बेनीवाल की वीडियो पे लाइक्स भी ज़्यादा, व्यूज भी ज़्यादा, एंगेजमेंट भी ज़्यादा, फिर भी देसी देसी ना बोल लिया कर उससे ऊपर ट्रेंड हो रहे हैं, उसकी वीडियो ट्रेंडिंग में से गायब हो जा रही है, कहाँ से आ रहे हैं व्यूज़, कल बात करेंगे।
तो बाय द स्टोरीज ऐसा लग रहा है कि लक्ष्य चौधरी कुछ ट्रेंडिंग पेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने एक स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं गेमिंग विद के बारे में। तो इनका गेमिंग चैनल है जहाँ पे वो 8 ball pool के गेमिंग वीडियोस अपलोड करते हैं। तो रिसेंटली ट्वीट करके बताया कि इनके चैनल में 3 वीडियोस टेक डाउन करा दिए गए एंड उनके चैनल में एक स्ट्राइक आ चुका है। उन्होंने बताया कि ये स्ट्राइक उनको मिनी क्लिप से आया जो कि 8 ball pool के गेम डेवलपर्स हैं। उन्होंने इसके बारे में बात करते हुए ये कहा, हाई टीम यूट्यूब, इज इट फेयर इफ यू पोस्ट रेगुलर गेम प्लेज एंड गेट अ कॉपीराइट स्ट्राइक फ्रॉम अ गेम स्टूडियो मिनी क्लिप। दे टुक माई 3 मोस्ट पॉपुलर वीडियोस डाउन टुडे। वन ऑफ देम इज लाइक 3 इयर्स ओल्ड। द कंटेंट यूज्ड इज आई प्लेड देयर गेम इन द वीडियो। सीरियसली #StopHarassingCreators। नाउ जैसा कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने खाली गेमिंग वीडियो अपलोड किया था बस वो गेम को खेलते हुए एंड मिनी क्लिप ने उनके वीडियो को टेक डाउन कराया। तो अगर तो ऐसा हुआ है तो दिस इज रियली बैड। तो चलिए अपने एक स्टोरी के बारे में बात करते हैं। वेल दिस इज नॉट रियली अ स्टोरी बट आई फेल्ट लाइक आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करना चाहिए मेरे को। रिसेंटली मैंने एक चैनल देखा ADN Gaming YT। सो ये अपने चैनल में PUBG मोबाइल गेम प्लेज अपलोड करते हैं बट ही प्लेज PUBG विद हिज टंग। जी हाँ, लिटरली वो अपने जुबान से PUBG खेलते हैं। बहुत सारे मल्टीपल फेस कैम वीडियोस भी उन्होंने अपलोड करके दिखाया कि वो कैसे खेलते हैं एंड ही इज एक्चुअली वेरी गुड प्लेयर। मैं आपको इनका एक वीडियो लिंक कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। सो ये आई जस्ट फेल्ट लाइक शेयरिंग दिस, तो मैं आपको इनके बारे में बता दिया। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनब्रू इज प्लेइंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 500k सब्सक्राइबर्स। देन गुफू द राइडर व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 million सब्सक्राइबर्स। देन विद्युत जामवल ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 million सब्सक्राइबर्स। देन अनस्पीकेबल गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 10 million सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली शुभ गेमर्स को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मैंने कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं लोगन पॉल वर्सेस फ्लॉयड मेवेदर के बारे में। नाउ लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि दिस फाइट इज ऑफिशियल एंड कुछ यूट्यूबर्स का रिएक्शन भी दिखाया था इंक्लूडिंग KSI। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो मेरा लास्ट वीडियो जाके देख लेना। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं इस मैच के थ्रू अर्निंग्स के बारे में कि लोगन पॉल एंड फ्लॉयड मेवेदर ये मैच के वजह से कितना कमाएंगे। आज ड्रामा लट अपने चैनल में इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो अपलोड किए एंड उन्होंने बताया कि उनको एक रिलायबल सोर्स से पता चला कि उन दोनों का कितना कमाई होने वाला है। उन्होंने वो टेक्स्ट मैसेज दिखाया, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। मेवेदर विल अर्न $5 million अपफ्रंट कैश एंड 50% ऑफ ऑल द सेल्स और लोगन पॉल अर्न करेंगे $200,000 अपफ्रंट एंड 5% ऑफ ऑल द सेल्स। नाउ बॉक्सिंग में बोला जाता है कि जो सेल्स का कमाई होता है ऑफ पेपर व्यू वगैरह वही मेजर कमाई होता है, बट उसको लेकर भी लोगन पॉल को काफी कम अमाउंट मिल रहा है इस चीज के लिए कंपेयर टू हिज अदर फाइट्स। सो ये इससे एक ही चीज डिराइव हो सकता है कि लोगन पॉल इस मैच को खाली पैसा के लिए नहीं लड़ रहे बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी एंड अ चांस टू बीट मेवेदर हु इज अनबीटेबल, उनको कोई नहीं हराया। सो या लेट्स वेट फॉर द मैच 20th October। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ये। तो एनीवेज चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना एंड न्यूज सबमिशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके अगर आप कोई पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।